पिछले वाले लेक्चर में आपने देखा था हाइड्रोकार्बन्स के बारे, तो मैंने आपको बताया कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसके दो रूप बताए थे, पहला और दूसरा। पहला आपको बताया था बेटा मैंने संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यही बताया था ना, ये है आप लोगों का संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है बेटा ए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पहला रूप लेना चाहता हूँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर बेटा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है बेटा, यहाँ पर सभी के सब क्या होते हैं बेटा, इसके अंदर एकल बंद होते हैं, और एकल बंद जो होते हैं वो हम जानते हैं कार्बन की जो संयोजकता होती है बेटा चार होती है। कहने का जैसे अपने हाथ है, हथेली की बात करें तो अपनी ये मुट्ठी बन गई है, तो अपने हाथ की जो संयोजकता है ना वो पाँच है। पाँच का मतलब ये समझ में आ गया, एकदम बढ़िया मुट्ठी बन गई। यदि एक अंगूठा या कटरिया है तो एक अलग ही दिखाई देगा, तो कहने का मतलब है कि पाँच एकदम फिट हो गया मामला। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है चार, जब एकल बंद से बंधी तो बोलो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र जो है वो है बेटा CnH2n+2 होता है, ध्यान रखना ये हाइड्रोकार्बन। फिर टेंथ में आप लोगों ने बेटा हाइड्रोकार्बन में ये आप लोगों का एल्केन है, और एल्केन में ये एल्केन, और एल्केन के अंदर सभी बंद क्या होते हैं बेटा, सभी के सब एकल बंद होते हैं। अब यहाँ पर एल्केन का मतलब है कि कार्बन संख्या के आधार पर आप लोगों ने इसका नामकरण किया था, और कार्बन संख्या एक है तो अनुलग्न आप लोग प्रारंभ में जो मूल शब्द है आप लोग मैथ लगाओगे, दो है तो एथ लगाओगे, तीन है तो प्रॉप लगाओगे, चार है तो ब्यूट लगाओगे। कुछ ऐसी कंडीशन है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सभी की सब संयोजकता एकल बंध से बंधित हो क्या कहलाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जैसे एल्केन, और एल्केन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2, ठीक। अब एल्केन की बात करो तो साहब एल्केन क्या चीज़ है, अब एल्केन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा, एल्केन का नामकरण वगैरह भी थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे जो आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा। तो सबसे पहला आपने पॉइंट डाल दें इसके अंदर एल्केन, ALKANE, ये एल्केन। सामान्य सूत्र लिख देते हैं अपन CnH2n+2, ठीक। अब यहाँ पर मूल शब्द के रूप में अपन लगाएंगे तो मूल शब्द का मतलब ये होता है कि बेटा कि उसके अंदर कितने कार्बन है। कहने का मतलब है कि मूल शब्द के रूप में आप लोग जब लगाओगे तो कार्बन संख्या देखना कि यहाँ पर लिखे सी की संख्या लिख देते हैं, यहाँ पर सी की संख्या लिख देते हैं। सी की संख्या मतलब एक सी है, दो सी है, तीन सी है, चार सी है, पाँच सी है, फिर यहाँ छः सी है, सात सी है, आठ सी है, नौ सी है, दस सी है, ग्यारह सी है, ठीक है बेटा। उसके बाद और बता देंगे यदि हमने तो यहाँ पर आप लोग, ये तो कार्बन की संख्या हो गई, ये इसके मूल शब्द के बारे में पहले तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोग, बेटा सब अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज़ को, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। मूल शब्द की बात करें तो यहाँ पर अपन एक कार्बन यदि श्रृंखला में है तो मूल शब्द अपन लगाएंगे मैथ, क्या लगाएंगे बेटा मैथ, MeTH करके लिख देना, ठीक। दो कार्बन यदि है तो उसको लिखोगे बेटा एथ, क्या लिखोगे बेटा एथ, ETH करके लिख देना एथ, ठीक। तीन कार्बन है तो अपन बेटा बोलते हैं प्रॉप, क्या लेंगे प्रॉप, PROP प्रॉप लिख देना, ठीक। चार कार्बन है तो उसको बोलोगे बेटा बेटा ब्यूट, क्या बोलोगे ब्यूट बोल लेना, BUT, जिसको अपन बट बोलते हैं, BUT बट लिख देना। पांच कार्बन है तो उसको बोलोगे पेंट, तो PENT पेंट, ठीक। छह कार्बन है तो उसको बोलोगे बेटा हैक्स, क्या बोलोगे हैक्स बोलना है उसको, हैक्स हैक्स। सात कार्बन है तो उसको बोलोगे बेटा हैप्ट, हैप्ट HEPT हैप्ट। आठ कार्बन है तो उसको बोलोगे बेटा आप लोग ऑक्ट, ठीक है बेटा सब अच्छी तरह से जानते हैं इन चीज़ों को, तो कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा तुमको। ये आप लोगों का बेटा है नॉन, नॉन NON करके लिख दोगे हैं। और दस कार्बन को बोलोगे बेटा आप लोग डैक, डैक बोलोगे तो DEC डैक है ना। और 11 कार्बन है तो इसको अनडैक बोलोगे, 12 कार्बन है तो उसको डूडैक बोलोगे, तो उसका नाम अनडैक, अनडैक बोलोगे, अन फिर DEC अनडैक। फिर यदि अपन 12 कार्बन लो
13 कार्बन लो, 14 कार्बन लो, 15 कार्बन लो, 16 कार्बन लो, 17 कार्बन लो, 18 कार्बन लो, 19 कार्बन, 20 कार्बन। तो देखो बेटा, आप लोग सब जानते ही हैं, तो ये तो आप लोगों के मूल शब्द लग गए, तो ये भी आपका मूल शब्द है। तो यहाँ पर अपन मूल शब्द की बात करेंगे बेटा, ये मूल शब्द क्या लगाना है आपको। तो मूल शब्द की बात करो, देखो बेटा यहाँ पर अपने बोला अंडेख 11 को, 12 को बोलोगे डू डेक, क्या बोलोगे डू डेक कर देना, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये ट्राई डेक लिख देना, क्या लिखोगे ट्राई डेक। यहाँ क्या लिख दोगे टेट्रा डेक, क्या लिखना है टेट्रा डेक। इसको बोलोगे पेंटा डेक, इसको बोलोगे हेक्सा डेक, क्या बोलोगे हेक्सा डेक। इसको बोलोगे बेटा हेप्टा डेक, हेप्टा डेक। 18 को बोलोगे बेटा ऑक्टा डेक, ऑक्टा डेक। 19 को बोलोगे नोना डेक, नोना डेक। 20 को बोलोगे बेटा आईकोस, क्या बोलोगे बेटा आईकोस लिखना, आई आईकोस लिखना है इसको, आईकोस। और 30 की बात करें, 30 सी है तो इसका नाम होगा ट्राईकॉन्ट, क्या नाम होगा ट्राईकॉन्ट करके इसको लिख सकते हो, आईकोस बोलो ट्राईकॉन्ट। तो इसमें स्पेलिंग की कोई दिक्कत ही नहीं है, डू डी ओ डी ई सी डू डेक, ट्राई टी आर आई डेक, टेट्रा टी ई टी आर ए, पेंटा पी ई एन टी ए पेंटा डेक, हेक्सा एच ई एक्स ए, हेप्टा एच ई एफ टी ए, है ना, नोना एन ओ एन, दो डेक लगा देना। आईकोस क्या लिख दोगे, ये तो लेना आईकोस, आईकोस। और यहाँ पर ये ट्राईकॉन्ट, ये ट्राईकॉन्ट करके भी इसका नाम, सिर्फ समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ये कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाई तुम लोगों को, ये आप लोगों ने यहाँ पढ़ी है कहाँ पे 10वीं क्लास के अंदर, जिसमें आप लोग सबसे पहला काम यही है कि आप लोग कार्बन संख्या के आधार पर इनके मूल शब्द, एक कार्बन यदि है तो मैथ लगाना, दो है एथ लगाओगे, तीन है प्रोप लगाओगे, चार है ब्यूट लगाओगे, पांच पेंट लगाओगे, छः के लिए हेक्स लगाना, हेप्ट लगाना, ऑक्ट लगाना, नॉन लगाना, डेक लगाना, अनडेक लगाना, 11 के लिए डू डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, पेंटा डेक, फिर हेक्सा डेक, फिर हेप्टा डेक, नोना डेक, और लास्ट में आप लोग 20 को बोलोगे आईकोस और 30 को बोलोगे आप लोग ट्राईकॉन्ट, जो मैंने वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये कंडीशन है, तो जिसमें आप लोगों को सबको आना चाहिए। अब आपके मन में आएगी साहब ये आपने क्यों बताए, बताने का मतलब ये होता है कि बेटा जब एकल बंद हो और साथ में यदि एक कार्बन हो तो पूर्व लगन के रूप में तो मैथ लगाना, और सभी सिंगल बंद है तो इसका नामकरण में आप लोग कह रहे हो मैथ प्लस एन मैथेन बोलोगे, एथ प्लस एन एथेन बोलोगा, प्रोप प्लस एन प्रोपेन बोलोगा। तो ये बेटा इसके नाम में सिस्टम होगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा उसमें आप लोग देखोगे एल्केन जो दिखाई दिया है, जिसका सामान्य सूत्र मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसका नामकरण आप लोग किस प्रकार से करोगे। तो नामकरण की कुछ पद्धतियाँ हैं जो तुम्हारी 11वीं क्लास की है, वो छोटी सी, मैं आपको 11वीं क्लास के बारे में तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो आपने पढ़ा है 10वीं में जो पढ़ा है मैं उसी को थोड़ा सा रिपीट करूंगा। सबसे पहली बात है एल्केन, और एल्केन कौन सा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ए एल के ए एन ई, और सामान्य सूत्र वही सी एन एच टू एन प्लस टू, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले अपन अब एन बराबर एक रखें, हैं एन बराबर, तो उसका नामकरण करेंगे, नामकरण क्या करेंगे, नामकरण कर रहे हैं अपन, सामान्य सा सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पर मूल शब्द, मूल शब्द प्लस एन, क्या करोगे मूल शब्द, इसको आप लोग पहले बोलोगे एन को, क्या बोलोगे ए एन ई, और मूल शब्द क्या है वो देख लेना, कितने कार्बन है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। एन बराबर एक है तो एन बराबर एक का मूल शब्द क्या लिखोगे बेटा, मूल शब्द आ जाएगा बेटा मैथ, क्या आएगा ये मैथ आ जाएगा। अब सूत्र में लिखते हैं मान, सी एन, सी का मान, एन का मान एक रखा तो दो इंटू एक प्लस दो बराबर, दो इंटू दो करोगा तो एक, दो प्लस दो बराबर हो गया चार, तो आपको बन गया सी एच फोर। कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो अपन बोलेंगे बेटा एम ई टी एच, ठीक है बेटा, एम ई टी एच प्लस ए एन ई, ठीक है बेटा। हिंदी में क्या बोलोगे इसको, इंग्लिश में तो अपन ने बोल दिया मैथेन, एम ई टी एच ए एन ई, ये मैथेन। और हिंदी में लिखना चाहो तो मैथ प्लस एन,
तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मैथेन। ठीक है बेटा, ये हिंदी में हो गया। तो जब एन बराबर अपन ने क्या रखा? एक रखा। अब आपको क्या करना बेटा? एन बराबर दो रखना है। जब एन बराबर दो है तो मूल शब्द क्या लगेगा? एन बराबर दो तो मूल शब्द बराबर क्या है बेटा? मूल शब्द जो वर्ड रूट है, जो मूल शब्द है, उस मूल शब्द को बोलोगे बेटा आप बोलोगे एथ। इंग्लिश की बात करो तो अपन जानते हैं ई टी एच लिखना है। अब एन बराबर अपन ने क्या रखना? एक रखा, एक के बाद क्या रखना है? दो। सूत्र को इसी को उतारे वाले वो सूत्र को, तो सी टू दो इंटू दो प्लस दो बराबर सी टू एच सिक्स। ठीक है, लिखने का तरीका एक तो ये है, और अपन जानते कार्बन की संयोजकता तो चार होती है, एक पे हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक, अब यहाँ पर सी टू एच सिक्स, और सी टू एच सिक्स है तो कितने कार्बन? अपने बोले एक कार्बन दूसरा, तो एक दो तीन, एक दो तीन चार संयोजकता, एक दो तीन और ये चार संयोजकता। अब अपन कहना चाहें तो ये खुला सूत्र लिख दिया अपन ने, एच को जोड़ा एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा है। ये अपन कह सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया लिखने का, एक तरीका हो गया, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सी एच थ्री सिंगल बंद सी एच थ्री। बोलो कोई दिक्कत थोड़ी। अब नाम लिखेंगे, नाम में आपको समझ में आ गया होगा। नाम की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो गया बेटा? ई टी एच, ई टी एच प्लस ए एन ई, तो आपका क्या नाम हो गया? इसका नाम ई टी एच ए एन ई, और हिंदी में बोल देंगे इसको एथेन। क्या बोलेंगे? एथेन बोलेंगे। तो इसी प्रकार से अब आप लोग एन बराबर तीन, एन बराबर चार, एन बराबर पाँच, एन बराबर छः, एन बराबर दस ग्यारह तक के आप लोग करोगे, और आप लोग सूत्र इस हिसाब से लिखना। फिर वैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एन बराबर मैं कितना रख दूँ? छः रख देता हूँ। चलो छः रख देता हूँ, एक में बीस रख देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग बीच के जो हैं उन पर खुद प्रैक्टिस करना, ताकि आप लोगों का ये सिस्टम सही हो जाए, क्योंकि इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एन बराबर मैंने रख दिया सीधा छः, तो सूत्र हमारा है सी एन का छः, दो इंटू छः प्लस दो बराबर क्या हो जाएगा बेटा? सी सिक्स, छः दो बारह और दो चौदह हो गया। अब ये चौदह हो गया तो कंडीशन देखो बेटा, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा है। कार्बन की संयोजकता चार होती है, तो एक पूरी हो रही है तो इसको तीन हाइड्रोजन दिए तो चार हो गई, एक और एक दो पूरी हो रही है तो दो देते ही इसकी कितनी हो गई? चार हो गई। एक दो पूरे हो रहे हैं तो दो देते ही कितने हो गए बेटा? चार हो गई। यहाँ पर भी दो देंगे तो एक दो 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 चार, एक दो 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 चार, एक और तीन चार। एक तो ये तरीका। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या लगाना? मूल शब्द लगेगा हेक्स, सही है, प्लस लास्ट में अनुलगन क्या लगाओगे? एन। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? हेक्सेन, हेक्स एन। ये इसका आईयूपीएसी नाम मान के चलो, मानना आईयूपीएसी नाम होता है लेकिन सामान्य सी है, तो अब तुम ये चीज़ सीखो। फिर उसके बाद अब हम एक और लिख देते हैं कि जैसे एन बराबर अपन ने कुछ भी लिखा है, जैसे 12 लिख दिया कि भाई एन बराबर 12, एन बराबर अपन ने 12, तो सी 12 एच 12 इंटू दो प्लस दो बराबर 12 दो 24 और दो कितने हो गए बेटा? ये हो गए बेटा 26। अब 12 की अब बात करो तो लाइन खींचना, 12 छः कार्बन लगाना, पहले को तीन दोगे, 12 दो 24 और दो 26, तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? डू डेक, डू डेक, डी ई सी प्लस एन, नाम क्या हो जाएगा? डू डेकेन, डू डेकेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग 12 के हिसाब से, अब बेटा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एन बराबर दो तीन चार पाँच छः घर पे प्रैक्टिस करना, और उनको मैंने मूल शब्द देखना, पांच कार्बन यदि हो तो पेंट लगाना, और एन अपन को लगाना है क्योंकि यहाँ पर सभी में सिंगल बॉन्ड है। क्या है बेटा? एकल बंद मिलेंगे आपको, और एकल बंद जब लगेगा तो अनुलगन हमेशा ए एन ई लगेगा, जिसको बोलोगे एन, बोलोगे एन। ठीक है, तो मूल शब्द के साथ इस प्रकार से आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना, सरल सी केमिस्ट्री है। और एक बात और बेटा, विज्ञान की बात करो तो विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसका कोई अपवाद नहीं है बेटा दुनिया में। ठीक, विज्ञान जो दिखता है ना वो होता भी है, ऐसा नहीं कि अपन जो लिख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, इसको आप लोग प्रैक्टिकली रूप से भी बता सकते हैं, और ये चीज़ें सब दुनिया में है, अर्थात इनका अस्तित्व है। तो घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ो, बिल्कुल सरल सी है, भले ही आप लोग केमिस्ट्री पढ़ो, भले ही आप लोग
फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स को भौतिक विज्ञान बोलेंगे, कोई बायोलॉजी ग्रुप में जाना चाहे तो बायोलॉजी पढ़ो और मैथ पढ़ो, कोई दिक्कत, सब एक दूसरे से क्या है बेटा लिंक करते हुए आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को धन्यवाद।